नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का वो सुझाव जिसमें एससी एसटी में सब कैटेगरी करने की बात कही गई थी, राज्यों पर छोड़ दिया गया था कि उनको सुझाव दिया गया था जो एससी एसटी हैं उनके अंदर सब कैटेगरी किया जाए, जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर हैं, एससी एसटी में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको आरक्षण का लाभ मिल पा रहा और वो आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको मौका नहीं मिल पा रहा उनको मौका मिलना चाहिए। ऐसे में देखिए एनडीए में अब दो फाड़ हो गया है, जहां चिराग पासवान तमाम जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले उस सुझाव के खिलाफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो पीठ थी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसको लेकर के काम होना चाहिए, राज्यों पर छोड़ दिया था, राज्यों को सुझाव दिया था कि जो सब कैटेगरी करने की बात कही गई थी एससी एसटी में सब कैटेगरी किया जाए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बना करके उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए ताकि वो लोग भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाए। तो ऐसे में चिराग पासवान ने समीक्षा करने की बात कही और कल देखिए केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इसी मैटर को लेकर के एससी एसटी के तमाम जो सांसद हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुँचे और उनको कहा गया था कि ठीक है हम इस पर बात करेंगे और ये नहीं होगा, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक में ये फैसला आ गया कि एससी एसटी का जो आरक्षण है वो बाबा साहब का जो आरक्षण का दायरा है, जो उसका क्रिटेरिया है छुआछूत ही रहेगा, इसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे में देखिए संजय झा जेडीयू कोटे के मंत्री जेडीयू कोटे के राज्यसभा भेजे गए हैं जेडीयू कोटे से। अब देखिए इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में तो एससी एसटी में पहले से महादलित दलित को सब कैटेगराइज नीतीश कुमार ने किया ही है और हम इसके पक्ष में समर्थन में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जो सुझाव दिया है वो सही तो दिया है। तो ऐसे में देखिए अब एनडीए में ही दो फाड़ों के, सबसे पहले संजय झा का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही दिया है, नीतीश कुमार ने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा था महादलित लोगों को उनको सब कैटेगरी में तो पहले किया ही है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसी में अब देखिए दो फाड़ हो गया है, सबसे पहले वो बयान सुनिए। आया है बिहार में नीतीश कुमार जी ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था, खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। और जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रीमी लेयर वाला जो बोले हैं, यही लाइन है। मनीष सिसोदिया मिल गई है, आम आदमी पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया। अब इस पर क्या कमेंट करना, भाई मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर, कोई कोर्ट उनको रिहा मैंने फ्री कर दिया है क्या, केस से केस तो चल ही रहा है ना अभी। आरक्षण के अंदर आरक्षण वाले मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा बता दिया नहीं बताया ना, अभी तो कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात रख सकते हैं। सर तेजस्वी यादव को ईडी ने चार्जशीट जमा की है सर, साउथ एवेन्यू कोर्ट में सर, तो आप संजय झा के उस बयान को सुन रहे थे जिसमें सब कैटेगरी वाले बयान पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने तो यहाँ पहले ही किया था महादलित दलित का बंटवारा करके और उसको कैसे आगे किया जाए, उसको सब कैटेगरी पहले ही कर दिया गया था। तो ऐसे में एनडीए में ही अब देखिए सिर फुटव्वल की स्थिति हो गई है, एससी एसटी में आरक्षण को लेकर के अब बातें शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ मसला निकलता है, लेकिन केंद्र कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अभी इसको नहीं किया जाएगा। जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का जो आरक्षण का क्रिटेरिया था छुआछूत ही रहेगा, उस पर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जो सुझाव दिया था राज्यों को, उस पर अमल अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो अमल करता है या नहीं करता। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।